मोदी सरकार के मंत्री ने मॉब लिंचिंग पर अलग ही थ्योरी पेश की है, कह रहे हैं सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने इशारों में मॉब लिंचिंग को राजनीतिक साजिश बताया। जयपुर में मेघवाल ने कहा कि पहले अवार्ड वापसी और असहिष्णुता के मुद्दे आए, अब मॉब लिंचिंग है। 2019 से पहले कुछ और मामले आएंगे। मेघवाल ने कहा ऐसी घटनाएं गलत हैं, लेकिन ये क्यों हो रही हैं ये समझना जरूरी है। मोदी सरकार में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी सांसद हैं। मेघवाल से अलवर में हुई मॉब लिंचिंग के मामले पर सवाल पूछे गए थे। मेघवाल ने साफ कहा जैसे जैसे मोदी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसी कुछ घटनाएं भी होंगी। बीजेपी के राज में नहीं, जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। जैसे बिहार का चुनाव हुआ अवार्ड वापसी, यूपी का चुनाव आएगा मॉब लिंचिंग आएगा, 19 का चुनाव आ रहा फिर कुछ आएगा, कभी इंटॉलरेंस आएगा। नंदनीय ये अपराध है और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार अब लगभग हाथ खड़े कर चुकी है और वो जानबूझ के असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं पनपने का मौका दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भारत में आर्टिकल 21 के तहत गाय को जीने का मौलिक अधिकार है और मुस्लिम को मारा जा सकता है। 4 साल मोदी राज, लिंचिंग राज।